मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लेसन 3 रीड करेंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर है, पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंग। राइट द मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। अब हम जो है मनुष्य के शरीर के अंगों के बारे में जो है देख करके फिल करेंगे। नोज, ईयर्स, हैंड्स, लेग्स, नीज, फिंगर्स, आईज। पेज पलटिए। जस्ट लाइक वी हैव हैंड्स, legs, eyes and ears, the computer also has many parts. जैसे हमारे अंग होते हैं शरीर में, ऐसे ही कंप्यूटर के भी भाग होते हैं, parts of a computer. तो कंप्यूटर के parts कौन कौन से हैं? Monitor, CPU, कीबोर्ड, माउस। ये चारों मिलाकर के एक कंप्यूटर बनता है। द फोर मेन पार्ट्स आर कौन कौन से हैं? मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड सीपीयू। लेट अस लर्न अबाउट ईच ऑफ दीज पार्ट्स। अब हम जो है इसके प्रत्येक अंग के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। मॉनिटर, this is a monitor, it displays everything that we do on the computer. ये जो है monitor है और हम जो है इस पर वो सभी चीजें देख सकते हैं जो एक computer करता है. Does it remind you of another machine? Yes, it looks like a TV. ये जो है एक TV की तरह दिखाई देता है. Some monitor screens are big while some are small. कुछ मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है वो छोटी होती है और कुछ की बड़ी होती है। Why does a computer require so many parts? आंसर है, ए कंप्यूटर रिक्वायर्स मैनी पार्ट्स टू वर्क प्रॉपरली। कि एक कंप्यूटर को बहुत सारे पार्ट्स की जरूरत होती है प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए। What do? They perform many tasks. Page number 27. Help the mouse reach the monitor. माउस की मदद से मॉनिटर तक पहुंचना है, तो ये मैंने पेंसिल से लाइन बनाई है। इसी तरीके से आप भी जो है माउस को मॉनिटर तक पहुंचाना। This is a computer mouse. ये कंप्यूटर का माउस है। It points to object on the monitor and is always kept at the right side of a computer. ये जो है कंप्यूटर मॉनिटर पे जो है ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है और यह हमेशा जो है राइट हैंड की तरफ राइट साइड जो है रखा जाता है कंप्यूटर के। द माउस शुड ऑलवेज बी यूज विद द माउस पैड। माउस को हमें जो है माउस पैड के ऊपर ही यूज करना चाहिए। द माउस यूजली हैज टू और थ्री बटन्स। एक माउस में दो या तीन बटन होते हैं। एंड ए स्मॉल व्हील बिटवीन द बटन्स, और एक जो है छोटा स्मॉल व्हील होता है जो दोनों बटनों के बीच में होता है। इट यूज फॉर सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट यू सी ऑन ए कंप्यूटर, मॉनिटर, ड्राइंग, पिक्चर्स, पेंटिंग एंड प्लेइंग गेम्स। और ये जो है ड्राइंग, पिक्चर्स, पेंटिंग एंड प्ले गेम्स इस काम में आता है। टच पैड और ट्रैक पैड ऑफ लैपटॉप वर्क्स जस्ट लाइक ए डेस्कटॉप माउस बट विद टच ऑफ ए फिंगर ओनली।
ट्रैक बॉल ऑफ माउस इज यूज टू स्क्रॉल एंड सेलेक्ट ऑप्शन. टच स्क्रीन्स ऑफ स्मॉल फोन्स आईपैड एंड टैबलेट्स वर्क ऑन जस्ट टच द ऑप्शन डायरेक्टली विच इज टू बी सेलेक्टेड. कीबोर्ड. दिस इज ए कीबोर्ड. इट हैज सेवरल स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज. ये कीबोर्ड है और इसके ऊपर जो है छोटे छोटे बटन होते हैं उनको कीज कहते हैं. ईच की हैज ए नंबर लेटर और ए वर्ड रिटन ऑन इट. और इसके ऊपर जो है नंबर लिखे रहते हैं, जैसे 1, 2, 3 लेटर लिखे रहते हैं ABCD और वर्ड रिटन ऑन इट और शब्द भी लिखे होते हैं. इट इज़ यूज टू टाइप इन नंबर्स एंड लेटर्स टू द कंप्यूटर. और ये जो है नंबर और लेटर टाइप करने के काम आता है. टिक द मशीन दैट हैव कीज विच वैन प्रेस्ड लेटर्स एंड डिजिट्स अपेयर ऑन स्क्रीन. तो इसमें हम जो है जिसके ऊपर बटन होते हैं और जिनसे हम लेटर और डिजिट टाइप करते हैं इनमें से वो कौन सा है तो हम कीबोर्ड पर टिक का निशान लगाएंगे. CPU बॉक्स. तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. दिस इज़ द CPU बॉक्स और द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बॉक्स. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर. इट हैज़ एन ऑन ऑफ बटन ऑल्सो कॉल्ड पावर बटन. ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द CPU. जो CPU होता है वो कंप्यूटर में मेन होता है. ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है कंप्यूटर के लिए. अगर ये नहीं हो तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा. इस पर जो है एक बटन होता है जो पावर को उसको पावर बटन कहते हैं जो बटन होता है. ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर कनेक्टेड टू द CPU. और सारे जो है कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो CPU से कनेक्टेड होते हैं. CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. इट कंट्रोल्स ऑल द अदर पार्ट्स लाइक द मॉनिटर कीबोर्ड एंड माउस. CPU जो है कंप्यूटर का ब्रेन होता है और ये जो है माउस कीबोर्ड और मॉनिटर को कंट्रोल करता है. ज्वाइन द डॉट टू फ्रॉम द CPU एंड राइट इट फुल फॉर्म. इस पर डॉट डॉट से इनको सबको पेंसिल से मिलाना है और इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ऑल द पार्ट्स दैट वी हैव लर्न अबाउट मेक अप द स्टैंडर्ड कंप्यूटर सिस्टम दे आर कॉल्ड कनेक्टेड विद वायर्स. इन द एब्सेंस ऑफ इवन वन पार्ट द कंप्यूटर कैन नॉट वर्क प्रॉपरली. कि इन सब के बिना जो है कंप्यूटर सही से काम नहीं करता है. वी नो वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. हम जानते हैं कि हम जो है कंप्यूटर से पिक्चर भी बना सकते हैं. बट वी नीड ए प्रिंटर टू टेक ए प्रिंट ऑफ द पिक्चर्स. लेकिन हमको जो है एक प्रिंटर की ज़रूरत होती है जो उसका प्रिंट निकाल करके हमें दे. वी नो वी कैन लिसन टू सॉन्ग्स ऑन द कंप्यूटर. हम जो है जानते हैं कि हम कंप्यूटर पे गाना सुन सकते हैं. विच पार्ट डू वी यूज टू हियर द सॉन्ग ऑन कंप्यूटर. वी नीड स्पीकर टू लिसन टू सॉन्ग्स. हमें जो है कंप्यूटर पे गाने सुनने के लिए स्पीकर की आवश्यकता होती है. इफ़ वी वांट टू कॉपी द पिक्चर्स ऑन टू द कंप्यूटर विच पार्ट डू वी यूज. वी नीड ए स्कैनर. अगर हमें जो है किसी पिक्चर की कॉपी करनी रहती तो हमें स्कैनर की ज़रूरत होती है. अब हमारा लेसन 3 जो है कंप्लीट हो गया है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.